Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आरजेडी के दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की बड़ी बेटी हेरा साहब की शनिवार को मोतिहारी के रानी कोठी पुरानी हवेली में सैयद मोहम्मद शादमान से सगाई हुई। इस समारोह में बिहार के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व मंत्री व सिवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी, रघुनाथपुर विधायक हरिशंकर यादव समेत कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। सगाई समारोह में शामिल होने के बाद सुबह मोतिहारी के लिए रवाना हुए थे। वहाँ पहुँचने के बाद सभी वरीय नेताओं का स्वागत किया गया। शहाबुद्दीन की पुत्री हेरा शहाब MBBS हैं, वहीं शादमान भी MBBS हैं और संपन्न किसान सैयद इफ्तिकार अहमद के पुत्र हैं। शादमान भाई में अकेले हैं। शादमान का परिवार काफ़ी संपन्न है। उनके पास आलीशान रानी कोठी, हाथी घोड़े और मार्केट के अलावा काफ़ी ज़्यादा जमीन भी है। बता दें कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन 1 मई को दिल्ली में हो गया था। इसके बाद से ही सिवान स्थित उनके पैतृक आवास पर लोगों को ओसामा साहब से मिलने और उन्हें सांत्वना दिलवाने का तांता लगा हुआ है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी चेहरे शहाबुद्दीन के सिवान स्थित घर पर आ चुके हैं। शुक्रवार की देर रात की RJD वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब से मिलने के लिए सिवान पहुंचे थे। पूर्व मंत्री ने बदकमरे में ओसामा से घंटों बातचीत की थी। पूर्व मंत्री का कहना था कि वह व्यक्तिगत कारणों से यहां उनसे मिलने आए हुए थे। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।